अजमेर दरगाह के निकट जर्जर बिल्डिंग गिरने के बाद अजमेर नगर निगम प्रशासन लगातार कार्यवाही में जुटा है, लेकिन इस दौरान केवल खानापूर्ति देखने को मिल रही है। जर्जर इमारत को लेकर अब तक कोई कार्यवाही नहीं देखने को मिली। नोटिस चस्पा कर उन्हें निर्देशित किया गया है। वहीं दूसरी ओर आगामी 8 जनवरी से उर्स मेले की शुरुआत होनी है। इससे पहले दरगाह के आसपास क्षेत्र में बन रही बहुमंजिला इमारत पर रोक लगाई गई है और निर्माण कार्य को सीज कर दिया गया है। अतिक्रमण हटाने पहुंचे अधिकारी देवल बैरवाल ने बताया कि अजमेर दरगाह क्षेत्र में कई अवैध निर्माण किए जा रहे हैं और बहुमंजिला इमारतें खड़ी की गई हैं, जिन्हें लेकर कोई अनुमति नहीं ली गई। ऐसे बिल्डिंगों पर आगामी दिनों में कार्यवाही की जाएगी। फिलहाल नए निर्माण पर नोटिस चस्पा करते हुए उन्हें सीज किया गया है। उन्होंने माना कि दरगाह क्षेत्र में 5 से 7 मंजिला इमारत बना दी गई, जबकि गलियां 3 से 4 फीट की ही मौजूद है, जहां इन्हें अनुमति नहीं मिल सकती। इसके बावजूद भी कार्यवाही की जा रही है। ऐसी भावनाओं को चिन्हित कर उन्हें नोटिस जारी करते हुए आगामी दिनों में कार्यवाही की जाएगी। पार्षद की मिली भक्ति से चारों तरफ से, जब ये देखो एक बिल्डिंग बन रही है, चारों तरफ और बन रही है, इसकी इसी बिल्डिंग का हिस्सा एक और है। ये पिछले 3 साल से काम चल रहा है, इसमें पिछले 3 साल से काम चल रहा है। निगम के अधिकारी ने अभी ध्यान दिया है, पहले दे देते ये अब तक तो इतने चारों तरफ से घेर लिया इस आदमी ने, इस मालिक ने। एक ये इसकी होटल है, यहाँ पर इस तरह के कितने ये बिल्डिंग भी इसने ले ली। पार्षद मोदी, कितने मकान इस तरह के, कितनी बिल्डिंग इस तरह की जो यहाँ पे अवैध बनी हुई है? अब सारी अवैध है, 5-6 बिल्डिंग चल रही। आगे भी चलो, मैं बताता हूँ, मेरे साथ चलो। इस वार्ड नंबर 10 में कम से कम 10 बिल्डिंग बन रही है, जो सारी तरह आप दे देते। निगम के अधिकारी आके चेक नहीं करते? नहीं करते साहब, बिल्कुल नहीं करते। पार्षद या जमादार? पार्षद की तो माया है, उसको 10 लाख मिल जाते हैं एक बिल्डिंग बनने में, तो वो क्यों बोलेगा वो क्यों बोलेगा? नहीं तो क्या नगर निगम के अधिकारी भी मिले हुए क्या इसमें? ये मैं मिले हुए जब तो नहीं आए अब तक, तो पहले क्यों नहीं आए? अब तक आ जाना चाहिए था इनको पहले ही। बिल्डिंग गिरती जब आते क्या बात है? बिल्डिंग गिरती जब लोग आते हैं और बिल्डिंग बनती जब नहीं आते, शिकायत करने के बाद भी नहीं आते। अभी अभी सीज कर रहे हैं, वो बक्सा पहुंच जाएगा तो खुल जाएगी बिल्डिंग। सारी अवैध है। आपका नाम और पद बताओ। मुनीम चंद तमोली, सचिव शहर जिला कांग्रेस कमेटी अजमेर।